दोस्तों, छुट्टियां हो चुकी हैं और दुनिया घूमने के लिए लोगों के दिमाग घूमने लगे हैं। हमें उन्हें और घुमाना है, क्योंकि अब अगर नहीं घुमाया तो हमें इस जगह से घूमना होगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने दिमाग घुमाइए और कस्टमर्स को पटेल टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ घुमाइए। घूमो को झूम जाऊं? नहीं, ये कह रहे हैं घूम जाइए। क्यों घूमूंगा? ओके, अब वापस आ जाइए। शुक्ला जी, आपकी गलत फहमी हुई है, हमें नहीं घुमाना है, पब्लिक को घुमाना है। अरे सर, हम तो बस कुर्सी घुमाने के लिए आपको घुमा रहे थे सर। वैसे हम पब्लिक को डबल घुमाएं तो अच्छा रहेगा ना? पहले सिंगल तो घूमने आए। नहीं सर, हम एक स्कीम निकालते हैं सर कि लॉस एंजलिस जाओ उसके बाद ललितपुर फ्री, पेरिस जाओ उसके बाद पटना फ्री, और कनाडा जाओ तो कानपुर फ्री। दिमाग घूम गया है आपका। पेरिस के बाद पटना घुमाओगे, कनाडा के बाद कानपुर दिखाओगे? यही तो सर, कोई नहीं घूमेगा, मेरे पास एक आइडिया है। उषा जी बताइए ना। सर ये बताइए, घूमने के लिए सबसे ज्यादा दिमाग किसका घूमता है? पत्नियों का। यही तो, फिर क्यों ना हम उनके लिए कुछ इनाम रखें? मतलब पटेल टूर्स एंड ट्रैवल के थ्रू घूमिए और लकी ड्रॉ में पाइए एक डायमंड सेट। आइडिया बुरा नहीं है सर। गुड, उषा जी आजकल आपका दिमाग बहुत अच्छा घूमने लगा है। शुक्ला जी, कल ही एक जबरदस्त एड बनवाने का इंतजाम कीजिए। पटेल खुद पब्लिक से घूम घूम कर घूमने के लिए कहेगा। भाई साहब, 3 महीने पहले 50,000 भरे थे बाहर गांव घूमने के लिए, अभी तक इस ऑफिस के आसपास घूम रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हैं आप? पान थूक कर बोलिए भाई साहब। सॉरी, बात पड़ा तो नहीं ना? नहीं, बस बच गया। अरे अरे, बड़े तकदीर वाले हैं, वरना शुक्ला जी का निशाना एकदम परफेक्ट। बोलिए कहाँ जाएंगे? चीन, जापान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कहाँ? नहीं, पेरिस। पेरिस, बड़े रोमांटिक आदमी लगते हैं जी। वो क्या है कि मेरी वाइफ जो है वो आईफिल टावर देखना चाहती है। ये ना दिखवा देते उनको। आइए शुक्ला जी, मैं बाहर कैसे जाऊंगा? अरे दरवाजे से चले जाओ आप। आइए ना, आइए आइए। दरवाजा क्या कर रहे हो? फॉल ठीक से लगाओ ना जी। हाँ, और एक दिन सैंडविच मसाज भी फ्री है। बोलो कहाँ जाना पसंद करोगे? जी वो पांचवा वाला ठीक लग रहा है। हाँ, वो सैंडविच मसाज जो है ना, वो स्पेशल अट्रैक्शन है जी। वही कराऊंगा। क्या मेरा मतलब है, वही जाऊंगा। तो जाओ जी, जाओ और भाटिया जी के पास फॉर्म जमा कर दो जी। हाँ, अरे कहाँ चले? जी वो भाटिया जी के पास। अभी नहीं, जब तक यहाँ कोई दूसरा फॉल लगाने के लिए नहीं आता तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जी, जी? ये है मुसद्दीलाल बहल। ओ आ गया, जाओ जाओ जाओ, तुम उठो। भाटिया जी कहाँ मिलेंगे? अरे आइए, हम आपको मिलवा देते जी। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए जी। क्या लेंगे आप, ठंडा गरम? मैं ठंडा ले। ठीक है, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? जी मैं घूमना चाहता हूँ। तो घूमो। ये क्या कर रहा है? जी मैं घूम रहा हूँ। तो मैंने ऐसे घूमने के लिए नहीं कहा आपको। तो आपने कैसे घूमने के लिए कहा? वैसे जैसे आप घूमना चाहते हो। अच्छा अच्छा, मैं समझा आपने। नहीं, शादीशुदा हो? जी अभी हाल ही में मेरी शादी हुई है। आपकी बीवी साड़ी बांधती है? जी हाँ बिल्कुल बांधती है। फॉल लगानी आती है बीवी को? नहीं नहीं, तुम्हें? नहीं मुझे तो नहीं आती, मुझे तो सिर्फ शर्ट पैंट में बटन टांगना आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जरा मेरे ब्लाउज के हुक्स लगा दो। हाँ ये लो सुई धागा, शुरू हो जाओ। मैं तो यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ ना। यही तो, घुमा देंगे, पर पहले तुम्हें पता तो चले कि हम कहाँ कहाँ घुमाते हैं। मतलब कहाँ कहाँ घुमाते हैं आप? हाँ ये देखिए, ये है अमेरिका का पैकेज जी। ये मुंबई, न्यूयॉर्क, लास वेगस, लॉस एंजलिस, न्यू जर्सी, मुंबई, ये 75,000 का है। 9 दिन 10 रात का स्टे है और डीलक्स होटल में रहना, खाना सब फ्री है, साइट सीइंग भी हम फ्री कराएंगे। दूसरा पैकेज है लंदन, पेरिस। जी जी, ये वाला चाहिए मुझे। पेरिस जाना चाहते हो? जी हाँ, मेरी बीवी की दिली तमन्ना है कि वो आईफिल टावर देखे और आईफिल टावर पे खड़े होके मुझसे कहे आई लव यू। बड़ी रोमांटिक है आपकी बीवी जी। थैंक यू थैंक यू। हाथ चलाओ ना जी। ये 60,000 का पैकेज है जिसमें 10 दिन और 9 रात का स्टे है, पर आपकी नई नई शादी हुई है ना तो हम आपको 10 रात 9 दिन दे देंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हाँ, 10वें दिन अगर आप रहना चाहते हैं ना तो अपने खर्चे पर रह सकते हैं जी। जी जी, साइट सीइंग वगैरह तो फुल हमारी तरफ से फ्री है। होटल में वेलकम ड्रिंक्स, गिफ्ट्स और लकी ड्रॉ में इनाम। पहला इनाम है मुंबई लंदन पेरिस टूर,
दूसरा है डायमंड सेट और तीसरा है टी सेट। अरे वाह भाई, ये तो बिल्कुल कमाल है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? करना ये होगा, मेरे ब्लाउज के सारे हुक सबको लगाने होंगे और उसके बाद भाटिया जी के पास जाना होगा फॉर्म भरने के लिए। सैंडविच मसाज जी। लेकिन उसके लिए तो आपको $50 यहाँ जमा करने पड़ेंगे। क्या? पर वो मैडम तो कह रही थी सैंडविच मसाज एकदम फ्री है। मसाज फ्री है, लेकिन ये तो सैंडविच के पैसे है ना। $50 हमारी गली में फर्स्ट क्लास फर्स्ट सैंडविच ₹5 का मिलता है। ये बैंकॉक का सैंडविच है। हाँ बोलो, टिक करूँ? हाँ हाँ हाँ। आपके हुए ₹25,000 और $200 पैसे यहाँ जमा होंगे पासपोर्ट पांडे जी के पास। ठीक है, मैं कल जमा करा दूंगा। हाँ सुनो, वो तुम्हारी गली में जो सैंडविच बेचता है वो वाकई टेस्टी होते हैं? बहुत टेस्टी होते हैं। तो एक काम करना, कल आते वक्त 3-4 ले आना। जी ठीक है, ले आऊंगा। यस जी जी, मैं घूमना चाहता हूँ। अरे तो बैठिए ना जी, ठंडा पियेंगे जी। ओके, कहाँ घूमना चाहते हैं जी? लंदन पेरिस। ओह लंदन पेरिस, नाम? मुसद्दीलाल बहल। मुसद्दीलाल टहल? नहीं, टी फॉर टहल नहीं, बी फॉर बहल। बहल, तो मुसद्दीलाल बहल, बॉम्बे लंदन पेरिस बॉम्बे। ओके, वहीं टिकना चाहेंगे या वापस आना चाहेंगे? नहीं मैं समझा नहीं। अगर वहाँ टिकना चाहते हो तो ₹1,00,000 एक्स्ट्रा लगेंगे। नहीं मैं वहाँ टिक के क्या करूँगा? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, हम तो वहाँ छोड़ सकते हैं। ऐसे राय दे सकता हूँ कि वहाँ टिक जाओ, लाइफ बन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो वापस ही आना चाहूँगा। ऐसी आपकी मर्जी, हमें क्या जी। क्या बेचते हो जी? क्या करते हो जी? मैं स्पेयर पार्ट्स बेचता हूँ। चुरा के? चुरा के नहीं, खरीद के बेचता हूँ। जब बेचना है तो खरीदते क्यों? मुनाफे प्रॉफिट के लिए। हाँ हाँ, दाम दाम। ओके ओके, कितना कमाते हो? क्यों? अरे भाई, इनकम टैक्स देते हो कि नहीं देते हो इसलिए पूछ। नहीं नहीं, इनकम टैक्स तो मैं पूरा देता हूँ। ओके, वेज या नॉन वेज? पूरी तरह से वेज हूँ मैं। भाई साहब, मुझे भी नॉन वेज बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो कहता हूँ 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, 5 किलो आटा, कुछ मसाले सब्जियाँ आप यहाँ से लेके जाना। मगर क्यों? भाई खाना बनाने में आसानी होगी। नहीं पर खाना तो आप लोग प्रोवाइड करने वाले हो ना। नॉन वेज मिलेगा और इंडियन फूड तो वहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है, और जो मिलेगा मुझे नहीं लगता आपको चलेगा। तो वहाँ बनाएंगे कैसे? घासलेट लेके जाना, स्टोव हम दे देंगे। साइट सींग के होंगे $200। नहीं पर मैडम ने तो कहा था कि साइट सींग फ्री है। साइट सींग एकदम फ्री है। डिस्को में जो लड़कियों के डांस देखेंगे उसके पैसे तो। डांस? कौन सा डांस? अरे वही डांस जो आप देखना चाहेंगे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं क्या है, मैं तो अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ। एक रात को बीवी को होटल में छोड़ देना और डांस देख के आ जाना। पर छोड़ो यार, वहां जाकर अगर लीडो का डांस नहीं देखा तो क्या देखा? ठीक है ठीक है, मैं देखूंगा। $100, ये $100 तो इसके हो गए, और दूसरे $100 किस चीज के? देखो भैया, आईफिल टावर जो है उसको देखने के कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन आप अंदर जाएंगे तो पैसे तो बढ़ते जाएंगे ना डॉलर्स में। मेरी बीवी तो आईफिल टावर के ऊपर खड़ी होके मुझसे आई लव यू कहना चाहती है। $500 है जी? जी हाँ, अलाउड ही नहीं है, इसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से। अच्छा? हाँ, हम लोग ये काम करते हैं नहीं है, लेकिन आपके लिए कर देंगे। इतना रोमांटिक कपल है और हम इतना भी ना करें, मतलब तो लानत है हम पर। थैंक यू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, आपके हुए $1,30,000 और $1,000। डॉलर? डॉलर तो आपको लाके देने पड़ेंगे ना। जी जी हाँ, पैसे यहाँ जमा होंगे और अपने पासपोर्ट्स जो हैं पांडे जी के पास जमा कर दीजिए, हम वीजा के लिए अप्लाई कर देंगे। ये पांडे कौन है? पांडे नहीं, पांडे जी हूँ मैं, समझे? जी जी जी, मैं समझ गया जी। ये मेरा पासपोर्ट है और ये मेरी पत्नी का पासपोर्ट है। हाँ मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा है फॉर्म। ये पासपोर्ट आपका? जी मेरा। ये मेरी पत्नी का है। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तो मुझे शर्म क्यों आएगी? किसी और की पत्नी को आप अपनी पत्नी कह रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी है भाई। झूठ? नहीं नहीं, झूठ नहीं है, ये मेरी पत्नी है। आपको किसने कहा? मुझसे उस दिन मैं जा रहा था तो भाई साहब ने मुझसे क्या कहा, मैंने शादी की है इनसे भाई। किसी और की पत्नी से? नहीं नहीं, किसी और की नहीं, ये मेरी पत्नी है। सच बोल रहे हैं आप? जी हाँ सच बोल रहा हूँ। तो फिर ये कलावती कालरा क्यों है? और आप मुसद्दीलाल बहल, इन्हें भी बहल होना चाहिए ना, इसे कॉलरा क्यों है? नहीं, इसे कॉलरा नहीं है, इसका सरनेम कालरा है। हाँ हाँ वही क्यों है? भाई शादी से पहले ये कालरा थी, शादी के बाद ये बहल हो गई। लेकिन पासपोर्ट में कालरा क्यों है? भाई साहब, ये पासपोर्ट शादी से पहले बना था। ये आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि कानूनन ये आपकी पत्नी नहीं है। नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी है। तो फिर पासपोर्ट में इन्हें बहल होना पड़ेगा। तो बहल करवा दीजिए, वो कैसे करेंगे?
नया पासपोर्ट बनेगा। तो नया पासपोर्ट बनवा दीजिए। डेढ़ महीना लगेगा। डेढ़ महीना? नहीं, कोई रास्ता निकालिए ना। ये रास्ता है। हाँ तो बताइए क्या। आप दोनों पति पत्नी बनकर नहीं जा सकते, आप दोनों अलग अलग बुकिंग करा लो। तो वहाँ जाके तो पति पत्नी की तरह रह सकते हैं ना। अब ये तो वहाँ की गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। वैसे काफी छूट है वहाँ, खुला खेल फरूखाबाजी, किसी और की बीवी के साथ रह सकते हो। हाँ करा दो। गुड। अच्छा वो वीजा? अरे वीजा बन जाएगा, इसमें इमिग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। इमिग्रेशन ऑफिस जाएगा, मोहर लगेगी, वीजा बन जाएगा। वो क्यों? अरे भाई ये देखने के लिए कि कहीं आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। क्या? हाँ तो है क्या? नहीं, मेरा तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आपकी बीवी का? मेरी बीवी का पता नहीं, पर दिखने में तो क्रिमिनल नहीं लगती वो। नहीं लगती? नहीं, मतलब लगती वो पर। अरे परवर क्या, एक बार प्यार से जाके उनसे पूछ लो, कहीं कोई मारपीट कोई चोरी वोरी की है उन्होंने। चोरी वोरी? मतलब आप मेरी बीवी को चोर 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 कह रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे भाई नहीं नहीं, मैं ऐसे टेस्ट ले रहा हूँ, फिर भी जाके पूछ लो कोई चोरी वोरी ऐसे। भाई साहब आपका दिमाग खराब हो गया, मैं अपनी बीवी से जाके पूछूं, सुनो तुमने कभी कोई चोरी तो नहीं की, कभी तुम गुंडागर्दी तो नहीं करती थी? पूछने में हर्ज क्या है? अरे भाई साहब वहाँ पेरिस ले जाऊंगा ना, एफिल टावर पे उसने मुझे आई लव यू कहना है, उसकी बजाय वहाँ से उठा के मुझे नीचे फेंक देगी। तो क्या करें? आप ही बताओ, कोई रास्ता है? एक रास्ता है लेकिन लंबा है। थोड़ा कुछ शॉर्टकट निकालो ना भाई। उसके लिए तो हाँ, कितने? 5,000। 5,000? अरे हमें इमिग्रेशन वाले छोड़ते हैं क्या? इमिग्रेशन वालों से कुछ तो कम कराओ ना। देखो 40 साल की उम्र मेरी शादी हुई है, अगर मैं अपनी बीवी को एफिल टावर पे नहीं लेके गया तो आप समझ नहीं सकते मेरा क्या होगा। ना ना, मैं समझ सकता हूँ आपका क्या होगा। नहीं समझ सकते आप, आप नहीं समझ सकते, मेरा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मेरा। 5,000 रुपए कर ला दूंगा मैं आपको। तो परसों उषा जी से पासपोर्ट ले जाना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच पांडे जी। खाली थैंक यू? 100 रुपए के साथ थैंक यू। गुड। बस इसी दिन के लिए जोड़ कर रखा है मैंने कि मैं अपनी वाइफ को पेरिस ले जा सकूंगा। कब ले जाऊंगा? पहले शुक्ला जी से समझ तो लो जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में। क्या समझाएंगे? शुक्ला जी हमारे टूर कंसल्टेंट है, वहाँ जाके क्या करना है, वहाँ के कल्चर के बारे में वगैरह जानकारी देंगे, पहले सब पता होना चाहिए ना। कब बताएंगे? इस वक्त हम इंडिया में। कहाँ है? इंडिया में। और इंडिया कहाँ है? यही पर है। अरे महाराज ये कानपुर है, कानपुर इंडिया में, और इंडिया कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है, इतना भी नहीं जानते इंडिया में रहते? तो इसी इंडिया 19 जुलाई 2001 को हम कानपुर से यहाँ मुंबई के लिए रवाना होंगे। मुंबई में हम लंदन की प्लेन पर बैठ के यहाँ पेरिस जाएंगे। लंदन के प्लेन में पेरिस? भाई साहब एक चीज बताइए, आप कभी हवाई जहाज में बैठे? नहीं नहीं। तो फिर चुप रहिए ना, दूसरे यात्रियों को आराम से सफर करने दीजिए ना। तो इस वक्त हम उड़ रहे हैं, बस थोड़ी देर में लंदन पहुंचने वाले, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, लंदन में अपने देश का नाम खराब ना होने पाए। जैसे अपने देश में कई लोग जहाँ खाते हैं वहीं फेंक देते हैं, जहाँ मर्जी वहीं थूक देते हैं उल्लू के बराबर। तो वहाँ कहीं कोई कुछ फूको नहीं। आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हम कह रहे हैं वहाँ कहीं इधर उधर मत थूकिएगा, नाक नहीं कटवाइएगा। जी। और जी भी नहीं, हिंदी में मत बोलिए, ऑलवेज टॉक इन अंग्रेजी। लेकिन अगर किसी को अंग्रेजी ना आती हो तो या करते रहिए अपना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई किसी चीज को छुएगा नहीं, बस देखते रहिए। और लड़कियों को कोई टच नहीं करेगा, सीटी वीटी बिल्कुल मत बजाएगा। सीटी वीटी क्यों बजाएंगे, हम सब शादीशुदा लोग हैं, आप हमें समझा क्यों रहे हैं? इसीलिए तो समझा रहे हैं भैया, शादीशुदा ये लोग ज्यादा ये सब करते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, कहीं अंदर मत हो जाइएगा। नहीं आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप ये बताइए आप हमें भेज कब रहे हैं? वीजा मिल जाने के बाद। तो वीजा कब मिलेगा? इंटरव्यू हो जाने के बाद। इंटरव्यू? अरे हम वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं कि नौकरी करने? जा तो घूमने ही रहे हैं, मगर घूमने के लिए परमिशन चाहिए होती है ना। पर आप चिंता मत कीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है पटेल टूर्स एंड ट्रैवल्स की, हमने अच्छे अच्छों को घुमाया है, आपको भी घुमा देंगे। आप काफी घूमे हुए लगते हैं। सर तो क्या घूमते हैं सर, घूम के घूमिए ना सर। ओके देखा? देखा आपने? नहीं देखा। क्या? यही कि अभी देखना है। क्या देखना है सर? देखा क्या, अभी तो देखना है ना, लेकिन आप अगर लंदन के एम्बेसी में कुछ गड़बड़ करेंगे ना तो वरना कुछ नहीं देख पाएंगे। हाँ जेंटलमैन, वहाँ पर जो भी पूछे आप सिर्फ या बोलना। या क्यों? नो 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 क्यों नहीं।
देखो मान जाओ या बोलना, नो 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 बोला तो दो बातें हो जाएगी, या तो वो लोग आपको वीजा देंगे या तो नहीं देंगे, देने का तो डाउट है। और अगर नहीं दिया तो फिर दो बातें होगी, या तो आप पेरिस जा पाएंगे या तो नहीं जा पाएंगे, बिना वीजा के कैसे जा पाएंगे, और नहीं जा पाए तो फिर आपकी वाइफ आईफिल टावर पे चढ़ के आपको आई लव यू कैसे कहेगी। हरी भाई प्रजापति जी, मैं गोकुल चौबे, एल एल कपूर, रोज डे, मुसद्दी लाल। अरे मेरा हो गया, सॉरी मुसद्दी लाल नहीं, मनसुख लाल, बाकी लोगों का वीजा रिजेक्ट। क्या, अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जरूर आपने गड़बड़ की होगी। मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है। अच्छा एक चीज बताइए, आपने वहाँ या बोला था कि नहीं? हाँ या ही बोला था। तो उन्होंने नो कैसे बोल दिया यार, आपने जरूर बीच में एक आध बार नो बोला होगा, आप याद कीजिए। एक बार नो बोला, पर क्यों? देखिए बहुत देर से वो मुझसे अंग्रेजी में सवाल पूछ रहे थे और मैं या कर रहा था। नो कब बोला? फिर मैं बहुत देर तक या करता रहा तो मुझे लगा उन्होंने अंग्रेजी में पूछा होगा, पागल है क्या, तो मैंने कह दिया नो। क्या जरूरत थी नो बोलने की, हमारी उनके साथ डील हुई है, जो या बोले उनको वीजा दे दो। अब क्या होगा बैठ के यहीं से देखिए एफिल टावर फोटो में। नहीं, फोटो पर मेरी बीवी चढ़ तो नहीं सकती ना, और चढ़ेगी नहीं तो वो आई लव यू नहीं बोलेगी। आप देखिए मेरी 40 साल की उम्र में शादी हुई है और मेरी बीवी ने ये कसम खा ली है कि जब तक वो पेरिस नहीं जाएगी वो आई लव यू नहीं कहेगी। मतलब आप समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहे हैं, पर कुछ नहीं, कुछ कीजिए सर। एक रास्ता है। क्या? लेकिन थोड़ा लंबा है। कितना लंबा है? यही कोई 10,000 मील। कल ला दूंगा। ओके, तो फिर परसों वीजा के साथ टिकट ले लो उषा जी से। ये रहे तुम्हारे पासपोर्ट वीजा और तुम्हारे बीवी के टिकट। अरे वाह, ये प्लेन का टिकट है? प्लेन का नहीं, ये ट्रेन का टिकट है। ट्रेन का टिकट पेरिस ट्रेन जाती है? ये पेरिस का नहीं, मुंबई का टिकट है, मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस। क्या? ये तो रात को 12 बजे छुट्टी है, बैठ जाओ, परसों मुंबई पहुंच जाओगे। हाँ, वहाँ से टैक्सी लेके एयरपोर्ट चले जाना इंटरनेशनल, वहाँ हमारा एक आदमी मिलेगा, वो प्लेन की टिकट देगा, 4 बजे की फ्लाइट है। मगर ट्रेन से क्यों? अरे जल्दी जाओ, सामान भी तो बुक कराना होगा। अरे परवर नहीं, स्टेशन भी जल्दी पहुँचना है, वरना जनरल कंपार्टमेंट में घुसने के लिए लाइन लग जाती है। Bye, happy journey, all the best. Thank you. Thank you. मैं कब जाऊंगा? जाएगा, तू भी जाएगा। ये ले, तेरा टिकट आ गया साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका है? लेकिन मुझे तो साउथ अमेरिका जाना था। पहले बताना चाहिए था ना? बताया तो था। अच्छा चलो एक काम करो, साउथ अफ्रीका घुमाओ, अगली बार अमेरिका घुमा देंगे। आगे जी ये टूरिस्ट की लिस्ट है, इनमें से विनर को चुना जाएगा। अरे ड्रॉ ड्रॉ छोड़ो यार, आपस में बांट लेते ना इनाम का पैसा। नहीं भाड़िया जी, पहली बार है इसलिए इनाम दे देते हैं, वरना और नेक्स्ट टाइम कोई फंसेगा नहीं। पर सर देखो एक काम करते हैं, एक इनाम इसमें से देते हैं और बाकी इनाम उनमें से देते हैं। उनमें से किन में से? अरे जो नहीं गए यानी हम। लेकिन ये लकी ड्रॉ निकालेंगे कब? 10-12 दिनों के बाद। दिल थाम कर बैठिए, सबसे पहला इनाम है मुसद्दी लाल बहल। और इनको इनाम के तौर पर मिलता है 7 दिन 6 रात की पेरिस की यात्रा। अरे सर लेकिन वो तो ऑलरेडी पेरिस गया हुआ घूमने के लिए। और इसको आ जाने तो फिर से भेज देंगे। अरे ये तो आ गया। मुबारक हो सर। कैसी रही पेरिस की यात्रा? बेड़ा गर्क कर रख दिया तुम लोगों ने मेरा। क्या हुआ? क्या क्या हुआ क्या पूछते हो? 2 दिन तो पहले यहाँ पे ट्रेन में बैठा दिया गोरखपुर एक्सप्रेस में, 2 दिन लगे मुंबई पहुंचने में, वो भी टॉयलेट के पास बैठ के। उस बाद ट्रेन में बैठाया, प्लेन पहुंचा तो सही पेरिस, लेकिन पहले गया दुबई, उसके बाद गया मॉस्को, उसके बाद गया कीनिया, उसके बाद गया नाइजीरिया, और जाने कहां कहां होता हुआ 3 दिन में पहुंचा पेरिस। बीवी की सीट अलग, मेरी सीट अलग, बीवी की सीट सबसे आगे प्लेन में और मेरी सीट सबसे पीछे प्लेन में। हम पति पत्नी 3 दिन तक अलग अलग बैठे रहे, उसके बाद हम लोग पेरिस पहुंचे। मेरी बीवी ने आईफिल टावर देखा, मैंने भी आईफिल टावर देखा, मुझे लगा अभी मेरी बीवी मुझसे कहेगी आई लव यू और मैं उसको तभी आपका आदमी वहां पर आ गया और हमें घसीट के वहां से ले गया, वापस प्लेन में बिठा दिया, 3 दिन तक प्लेन के अंदर, 2 दिन ट्रेन में, टॉयलेट के पास। तो हो गई ना 10 रात 9 दिन की यात्रा। अरे क्या खाक हो गई यात्रा, आधा आईफिल टावर भी नहीं देख पाए। अरे भाई आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आप तो दुबई, नाइजीरिया, केन्या कहां-कहां घुमाए पेरिस की टिकट में। यही तो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें इनाम मिला है, लकी ड्रॉ में फर्स्ट प्राइज मिला है। क्या? हाँ। 7 दिन 6 रात की पेरिस की यात्रा। बोलिए कब जाइएगा? 10 दिन और 9 रात में जब आधा आईफिल टावर नहीं दिखा पाए तो कितने दिन बताया तुमने? 7 दिन 6 रात। 7 दिन 6 रात में कैसे दिखा पाओगे? फोटो में। क्या?